हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग का समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों में नकल करने की भावना मैं देख रही हूँ उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही है। कल्कि के नाम पर लोग एक खेल तमाशा कर रहे हैं, उनके साथ अपनी तुलना करना, खुद को कल्कि बताना, कल्कि नहीं हो गए, अवतार नहीं हो गए, लोगों के लिए एक खिलौना बनकर रह गए। कभी जो लोग अपने आप को कल्कि अवतार के साथ कंपेयर करते हैं या कल्कि होने का दावा करते हैं, उन्हें भी पता है कि वो खुद गलत कर रहे हैं, गलत कह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मनुष्यों की संख्या एवरी डे बढ़ती जाएगी इस धरती पर। और जब तक इस युग का खात्मा होगा, तब तक ना जाने कितने लाखों करोड़ों कल्कि होने का दावा लेकर पृथ्वी पर घूम रहे होंगे। अक्सर लोग मोदी और योगी का नाम लेकर पूछते हैं कि क्या वो कल्कि अवतार हैं या उन पर कल्कि अवतार की ब्लेसिंग्स है। कल्कि अवतार नहीं है, ना मोदी, ना योगी, ना ही कोई और। कल्कि अवतार सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उनमें अनगिनत क्वालिटीज, ऐसे स्किल्स जो एक साधारण इंसान में होना मुमकिन नहीं है। आप कल्कि अवतार को जितनी अच्छी तरह समझेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी बुद्धि खुलती जाएगी और आप रियलिटी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। जितने यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी भाषाओं का ज्ञान पेड़ पौधे पक्षी जानवर स्पिरिट्स, वो आत्माएं जो आज धरती पर भटक रही हैं, जो कुछ कहना चाहती हैं, अपनी बातें किसी से शेयर करना चाहती हैं, लेकिन किसी का शरीर वो बोरो करती हैं और फिर अपनी बातें कहती हैं, तो ऐसे स्पिरिट्स की भाषा, उनकी मनोभावनाओं को समझना, क्या एक साधारण मनुष्य यदि कल्कि होने का दावा करता है तो कर पाएगा? क्या एक आज साधारण मनुष्य ऐसा है जो कल्कि होने का दावा करे और पक्षियों की भाषा भी समझ ले, जानवरों की भाषा भी समझ ले, भूतों की दुनिया में जाकर उनसे कम्युनिकेट कर ले, पेड़ क्या कह रहे हैं, फूल क्या कह रहे हैं, प्राणी मात्र क्या कहना चाह रहा है, बिन बोले ही सारी बातें समझ लें? नहीं है, नहीं है वो कोई भी इंसान इस धरती पर जो अपनी तुलना कल्कि अवतार से कर सकें, क्योंकि कल्कि अवतार में वो कलाएं हैं और वो गुण हैं जो उन्हें अपने आप को एक अलग बनाती हैं, हम लोगों से कहीं अलग। मानव के रूप में अवतार के आने का अर्थ यही होता है कि वो दुनिया वालों को ये समझाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि पृथ्वी पर रहकर भी एक अवतार किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा सकता है यदि वो चाहे तो, किस प्रकार वो इंसान जो एक अवतार है अपनी डिवाइन क्वालिटीज के द्वारा लोगों की भलाई करता है, किस प्रकार वो अवतार जो इंसान के रूप में जन्म जिसने लिया है, लेकिन फिर भी वो न स्वार्थ में लिप्त है, न अहंकार में लिप्त है, न क्रोध में लिप्त है, बल्कि बहुत ज़्यादा सहन शक्ति के साथ सभी को
वो देखता भी है, सभी के बीच में भी रहता है, फिर भी अपनी स्टेबिलिटी को कभी भी खोने नहीं देता। चाहे जैसी भी परिस्थिति धरती पर आती है, उसमें वो बिना डगमगाए अपने मिशन को मंजिल तक पहुंचाता है। काफ़ी सारी बातें, अवतार जब जन्म लेते हैं, ईश्वरीय अवतार, तो अपने माध्यम से इस पृथ्वी वासियों को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके द्वारा दिए गए मैसेज, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं और उन्हें वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ समझना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करना भी अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को कहना या अपने आप को कंपेयर करना कि मैं कल्कि अवतार हूँ या मैं कल्कि अवतार के जैसे सारे काम कर सकता हूँ, यही वो अहंकार है, वो गलत फहमी है जो आज के मनुष्यों को ले डूब रही है। उनका डाउनफॉल इसी के लिए हो रहा है, क्योंकि जब मैं की भावना से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब उनकी डिवाइन क्वालिटीज, उनकी डिवाइन विजडम कैसे वो रिसीव कर पाएंगे उन कल्कि अवतार से जो कि रियल हैं। तो अपनी उस बुद्धि के द्वारा जो कि ईश्वर द्वारा दी गई, लेकिन जिस पर उन्हें आज अहंकार है कि ये उनका खुद का अचीवमेंट है, इस दुनिया में कुछ भी किसी का अचीवमेंट नहीं है। क्रिएटर कहीं बैठकर इसी पृथ्वीवासियों की गलतियों को देखकर और उनकी बातों को सुनकर यही हिसाब किताब लगा रहा होता है कि मैंने क्या दुनिया बनाई थी और आज कलयुग में ये कैसा युग, कहाँ पर, कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच गया है, जो सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। वो इनफाइनाइट क्वालिटीज, ऑसम स्किल्स, 64 कलाएं, इनकम्पेरेबल कल्कि अवतार के सिवा किसी और के पास हो ही नहीं सकती। चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, दूसरी बात, जो कल्कि अवतार हैं उन्हें ना पैसे रुपयों से मतलब है, ना बंगला गाड़ी से मतलब है, ना ही किसी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना किसी आंदोलन से मतलब है, ना पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मतलब है, ना ही सोशल मीडिया से मतलब है, बल्कि उनका डिवाइन मिशन कुछ अलग हटकर है। जिस दिन लोग उनके मिशन को, उनके एम को समझ लेंगे, जो कि बहुत कम संख्या में लोग होंगे, वही लोग उनके साथ मिलकर उनके मिशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। मैंने कहा, जितना कलयुग का समय, घोर कलयुग का समय, अब जो संधि काल का समय चल रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, और इसी आगे की ओर बढ़ते हुए लोगों के कदम डगमगाएंगे भी, लोग सच और झूठ के फंदे में ऐसा फंसेंगे कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो कल्कि अवतार के साथ किसी भी इंसान की तुलना करना ही हमारी गलत फहमी होगी, क्योंकि राम जी एक, कृष्ण जी भी एक, नरसिंह अवतार भी एक, वामन अवतार भी एक। जो अवतार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटीज के कारण उस युग में एक ही बार आते हैं और एक ही बार अपना मिशन कंप्लीट करके यहाँ से चले जाते हैं अपने घर की ओर। तो मत विश्वास कीजिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर आकर दावा करते हैं कि मैं ही कल्कि हूँ।
या अपनी तुलना कल्कि से करते हैं। उनकी गलत बातों का असर अपने दिमाग पर मत होने दीजिए, वरना आप भी नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में इस तरह फंसेंगे कि आपको भी सही और गलत की पहचान नहीं हो पाएगी। तो अपने ज्ञान की आंखें खोलिए और सही रास्ते का चुनाव कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।